ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। आज यानी गुरुवार को रईसी को सुपुर्दे खाक किया गया। रईसी की मौत को लेकर भारत ने भी शोक व्यक्त किया। रईसी की मौत पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक का भी ऐलान किया गया था। रईसी के सुपुर्दे खाक से पहले भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी तेहरान पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने एक पोस्ट कर लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज तेहरान में ईरान के कार्यवाहक उपराष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान के निधन पर संवेदना व्यक्त की। आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए दिन में ईरान पहुंचे जगदीप धनखड़ का तेहरान पहुंचने पर ईरानी अधिकारियों ने स्वागत किया। रईसी के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी भारत की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली स्थित ईरान के दूतावास पहुंचे थे। तेहरान में आधिकारिक अंतिम संस्कार समारोह में विश्व के कई बड़े नेता शामिल हुए। इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे। आपको बताएं तो भारत और ईरान के बीच संबंध बेहद पुराने रहे हैं। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत और ईरान संबंध बेहतर बने रहे। हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को लेकर एक अहम समझौता किया, जिसमें चाबहार के सबसे अहम टर्मिनल में से एक को अगले 10 साल तक भारत ऑपरेट करेगा। ऐसे में भारत और ईरान के बीच हुआ ये समझौता न केवल भारत के लिए व्यापारिक रूप से अहमियत रखता है, बल्कि ये रणनीतिक रूप से भी भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि चीन अपने CPC प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है। ऐसे में चाबहार से भारत चीन और पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान और ईरान के बीच बीते कुछ समय में विवाद देखने को मिला है। अब से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान और ईरान दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइल से हमले किए। ऐसे में शहबाज शरीफ ईरान पहुंचकर ईरान से अपने रिश्ते ठीक करने की कोशिश करेंगे। रईसी के दफीने के बाद शरीफ की खुमैनी से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि रईसी एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने खुद को देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रखा। शरीफ ने पाकिस्तान और ईरान संबंधों को मजबूत करने में रईसी की सराहना की और उनकी भूमिका की भी तारीफ की।